हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का विषय है व्यवहारिक मनोज्ञान का अर्थ और उसकी अवधारणा। व्यवहारिक मनोज्ञान एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत बड़ा एक विषय है और इस विषय के अंदर वो सब कुछ समाता है जो मनोविज्ञान, जो मौलिक मनोविज्ञान अनुसंधान करता है और उसका जो प्रयोग है जब वास्तविक या यथार्थ जीवन में होता है तो उसको हम व्यवहारिक मनोज्ञान कहते हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि शॉर्ट वीडियो में कि व्यवहारिक मनोज्ञान का अर्थ और परिभाषा क्या है। व्यवहारिक मनोविज्ञान दैनिक जीवन में मनोवैज्ञानिक यानी मौलिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों के अनुप्रयोग को कहा जाता है। यहां पर मौलिक का मतलब है बेसिक साइकोलॉजी। इसकी परिभाषा क्या है? हेनरी इलियट के अनुसार यह मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें शुद्ध और विशेषकर प्रायोगिक मनोविज्ञान की विधियों एवं परिणामों को व्यवहारिक समस्याओं और व्यवहारिक जीवन पर प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। यहां पर दो चार चीजें हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। शुद्ध मींस प्योर रिसर्च। जो प्योर साइकोलॉजी है, बेसिक साइकोलॉजी है, वो थ्योरीज को, लॉज को, कंसेप्ट को डेवलप करती है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। वो सारा जो विषय है वो शुद्धता में आता है, वो शुद्ध है। उनको और साथ साथ में जो एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी है उसके जो मेथड हैं और उसके जो आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उनको किस प्रकार से व्यवहार में लाया जाए, प्रैक्टिस में लाया जाए, यही बात इलिट कहना चाहते हैं कि इसे ही हम व्यवहारिक मनोज्ञान कहा जाता है या कहते हैं। इसको हम अनुप्रयुक्त भी कहते हैं, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान भी या व्यवहारिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही है, इसका जो केंद्र है ये मनोविज्ञान के जो मौलिक मनोविज्ञान है उसके आसपास ही केंद्रित होता है एवं उनका अध्ययन भी करता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान अमूर्त सिद्धांतों और प्रयोगशाला आधारित प्रयोगों का एक वास्तविक दुनिया के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। यहां पर अमूर्त सिद्धांत, जितने भी थियरीज हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, सारे अमूर्त हैं। अमूर्त का मतलब यहां पर यह है कि जिन्हें वो वस्तुएं या वो चीजें जिन्हें हम अपने पांचों सेंसेस इंद्रियों के माध्यम से परसीव नहीं कर सकते, तो वो सारे अमूर्त सिद्धांत हैं और वो सारे प्रयोगशाला पर आधारित होते हैं। वो प्रयोग कुछ प्रयोगशाला पर आधारित होते हैं, कुछ थियोरेटिकल्स होते हैं। और प्रयोगशाला पर आधारित प्रयोग यानी कि दो चीजें, इसमें अमूर्त सिद्धांत और प्रयोगशाला पर जो आधारित जो प्रयोग होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है वास्तविक दुनिया के परिप्रेक्ष्य से। कि वास्तविक दुनिया में अगर इन सिद्धांतों को, इन कानूनों को, इन लॉज को अगर लागू किया जाता है तो उनका असल जीवन में व्यक्ति के व्यवहार पर क्या असर होता है, यही है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या व्यवहारिक मनोविज्ञान। यह शास्त्र, एक तरह से शास्त्र ही, मूर्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों की पुष्टि करने का प्रयास करता है। यहां पर मूर्त आती है, बात आती है कंक्रीट, जिसकी बात हम कहते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, और जो मौलिक मनोविज्ञान है, जो प्योर साइकोलॉजी है, उसके जो सिद्धांत है उनका किस प्रकार से व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार, समाज में व्यवहार है, किस तरह से वो व्यवहार उन सिद्धांतों की पुष्टि करता है। तो यही है, ये जो शास्त्र है मुख्य रूप से एक अम्ब्रेला टर्म है। आप इसको आसानी से यूं समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान का प्रयोग असल जीवन में, यथार्थ जीवन। अब आप देखेंगे मौलिक मनोविज्ञान ज्ञान और प्रयोग के विस्तार के लिए गहरे एवं सूक्ष्म ज्ञान की तलाश करता है, यानी कि जो डीपर एंड बिल्कुल डीप जो नॉलेज है उसकी सर्च किया जाता है प्योर साइकोलॉजी में।
जबकि व्यवहारिक मनोज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यवहारिक मनोज्ञान में क्या होता है, अर्जित ज्ञान को, यानी कि जो प्योर साइकोलॉजी है उस जिस ज्ञान को वो अर्जित करती है उसको वास्तविक जीवन में उपयोग कर, बस मुख्य बिंदु उसका वही होता है। अब इसका उदाहरण ले सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, यानी जो मानसिक रूप से जो विकार होते हैं उनका अध्ययन करना, उनके बाद उनका समाधान सुझाना, किसके परिप्रेक्ष्य में, जो प्योर क्लिनिकल साइकोलॉजी रिसर्च करके अनुसंधान करके जो आउटकम्स दी हैं उनका असल मानसिक विकार जो है उनको दूर करने में उपयोग करना और उन मानसिक विकार को समझना, वो अप्लाइड में आता है। काउंसलिंग में आप देख सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, यह भी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। एडोलेसेंट साइकोलॉजी है, यानी कि मेन मुद्दा इसमें यही है कि प्योर साइकोलॉजी के सिद्धांतों का यथार्थ जीवन में अनुप्रयोग और प्रयोग। एक अब इसका उद्देश्य देखते हैं हम क्या है, व्हाट द एम। व्यवहारिक मनोविज्ञान मानव के व्यवहारिक पक्ष से ही संबंधित होता है, बस इसका एक यही मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें पक्ष से संबंधित होने का मतलब यह है जिसमें क्या होता है, जो आपका यथार्थ जीवन है उसकी व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनके समाधान को सुझाना उनके लिए, यह मुख्य बात होती है इसमें। इसके साथ साथ यह मानव आचरण में वांछनीय परिवर्तन लाने में सहायक होता है। टॉकिंग क्योर जिसको हम कहते हैं ना, काउंसलिंग, उसमें क्या है कि जो मानव का आचरण है उसमें जो रिक्वायर्ड जो परिवर्तन होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें लाने में भी ये शास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति की विभिन्न गतिविधियों का वर्णन करना। अब आप देख सकते हैं कोई भी खिलाड़ी है, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जब ओलंपिक्स गेम होते हैं तो उसमें 100 मीटर की दौड़ पर में फाइनल में पहुंचने वाले जो लोग होते हैं उनमें जो फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक क्षमता लगभग समान होती है, लेकिन जीतता कोई एक है, उसका कारण उसकी शारीरिक क्षमता तो है ही है, साथ साथ में मुख्य बात यह है कि उसकी जो मनोवैज्ञानिक क्षमता है, उसकी जो गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, उसमें एक अंतर होता है और वही जीत का कारण भी बनता है। तो यानी उसकी गतिविधियों का वर्णन करना, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक बिहेवियर की भविष्यवाणी करना तथा उस पर नियंत्रण करना, यह सारा काम आता है व्यवहारिक मनोज्ञान के अंतर्गत। उसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से समझ सकता है मनोज्ञान कारण, और अपने आसपास के वातावरण, वातावरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण, इन तीनों के साथ वो सफलतापूर्वक अंतक्रिया कर सके, अपने जीवन की गुणवत्ता को वो बढ़ा सके, इनके फलस्वरूप। यही व्यवहारिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। मुख्य रूप से हम बात करते हैं जितने भी मनोविज्ञान की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार पर असर डालती हैं, वो सारी व्यवहारिक मनोविज्ञान में आती हैं, जो हमने अभी चर्चा की। यानी कि अप्लाइड जो फील्ड है प्योर साइकोलॉजी का, वो व्यवहारिक मनोविज्ञान कहलाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा व्याख्यान होगा वो होगा व्यवहारिक मनोविज्ञान का इतिहास, थोड़ी सी हिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से इसका जन्म हुआ। इसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही फिर मिलेंगे। और इस विषय से संबंधित अगर आपको कोई डाउट, कोई शक, कोई शंका, कोई सवाल है या कोई क्रिटिकल कमेंट है तो आप मुझे मेरी ईमेल varmasujit@yahoo.com पर भेज सकते हैं, जो मैं आपका सहर्ष स्वीकार करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।